तो एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे, ये वाला पार्ट जो है टूट चुका है। ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया, बस गिनते नहीं अपन लोग खुद को क्यों नहीं दोष दिया। पर अब से मैंने सोच लिया, जो भी बोले देगा साथ उसे दूर से ही शुक्रिया। सीखा मैंने गम में भी हंसना, जानता हूँ कौन मेरा अपना कौन है, जान लेना कौन तेरे सपने पूरे होने पे खुश है उसे साथ रखना। सीखा मैंने गम में भी हंसना, जानता हूँ कौन मेरा अपना, जान लेना कौन तेरे सपने पूरे होने पे। वेल हेलो दोस्तों, बुजुर्गों बच्चों बड़ी मेले समिति एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि लास्ट वीडियो में बोले थे हम कि अभी जो ये फटफटिया का एग्जॉस्ट है उसको खोल के हम रोड ट्रिप पे जाएंगे या फिर लगा कर जाएंगे। तो कुछ भाई लोगों ने बताया था कि हाईवे पर एक बार मोटो ब्लॉक करके देखो हाई स्पीड में, देखते हैं किस तरह का साउंड निकलता है, किस तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है, उसी के बाद डिसीजन लेंगे कि ये एग्जॉस्ट रहेगा या नहीं रहेगा। तो फिलहाल हम 60 के स्पीड में चला रहे बाइक, 60 to 70 में क्रूज कर रहे हैं। हालांकि इससे ज़्यादा रहने वाला है हमारे रोड ट्रिप में क्रूजिंग स्पीड, जो कि लगभग 90 to 120 या फिर 130 भी रह सकता है। उस हिसाब से थोड़ा और तेज जाते हैं और देखते हैं कि हमारा जो मोटो ब्लॉक का साउंड है वो माइक ले रहा है या नहीं। आज खतरनाक वाला ट्रैफिक चल रहा है हाईवे पर, उसे थोड़ा भगाएंगे, मौका ही नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल गाड़ी 100 के ऊपर है, आई डोंट थिंक सो कि अब मोटो ब्लॉक में अच्छे से आवाज़ आ रहा होगा। 100 में हम क्रूज कर रहे हैं अभी, तो देखते हैं किस तरह का माइक का जो साउंड है, GoPro का जो माइक है किस तरह से साउंड ले रहा है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी हमने स्टोरी डाला था इंस्टाग्राम पे कि संडे सुबह 8 बजे मीटअप होगा, यानी कि लाइनअप होगा जयनगर साइड में, बट अनफॉर्चुनेटली हम 8 बजे नींद से जगे ही नहीं। सॉरी फॉर डेट जो भाई लोग हमारा इंतजार कर रहे थे लाइनअप पर, और एकदम दिल से सॉरी भाई साहब, नो गिला शिकवा प्लीज। और जब तक हम पहुंचते हैं दीपोर बिल के कॉर्नर्स पे, तब तक आप देख लीजिए हासूसा ऐप, इसको यूज करके आप पैसा अर्न कर सकते हो। जी हाँ। तो गाइस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आज मैं आपको ऐसे ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ जिसको आप यूज करके घर बैठे विदाउट इन्वेस्टिंग आप इजिली अर्न कर सकते हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, विदाउट इन्वेस्टिंग आप घर बैठे बैठे इजिली पैसे अर्न कर सकते हो। और इस ऐप का नाम है दोस्तों रामी वेल्थ, और ये ऐप बहुत ही सेफ है और गूगल प्ले स्टोर पे भी उपलब्ध है विद ओवर 10K+ डाउनलोड। सबसे पहले आप जो देख रहे हो गाइस, ये मेरा पार्ट टाइम अर्निंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रैगन टाइगर जो गेम है, इसको आप ओपन कर लो, और गेम बहुत ही सिंपल है, इजी टू विन है। इस गेम में एक तरफ मिलता है टाइगर, एक तरफ मिलता है ड्रैगन, और इसमें जिसका टास्क का पत्ते का जो वैल्यू ज्यादा होगा वही विन कर सकता है। तो मैं गाइस अभी यहाँ पे ड्रैगन की तरफ मैं 40 रुपए लगा देता हूँ, और जैसे कि आप लोग देख सकते हो गाइस मैं अर्न कर चुका हूँ और आप ही के सामने में है, लाइव है। तो गाइस मैं आप लोगों को एक ट्रिक भी बता देता हूँ, अगर आप भी पैसा लगाते हो, मानो कि आपने 10 रुपए लगाया और हार गए, तो नेक्स्ट टाइम आप उससे भी डबल से थोड़ा ज्यादा पैसे लगाओगे तो आप आराम से जीत जाओगे। यानी कि 30 रुपए अगर लगाओगे आप आराम से जीत जाओगे, तो मतलब आपका जो हारा हुआ पैसा वो भी वापस आ जाएगा, साथ ही के साथ आप अर्निंग भी कर लोगे। मेरे बताए हुए ट्रिक के साथ अगर आप खेलोगे तो कभी भी हारोगे नहीं। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आप विड्रॉ कर सकते हो जीते हुए पैसे को। इसमें आपको बैंक पे थ्रू भी ट्रांसफर कर सकते हो और यूपीआई के थ्रू भी आप अपना अमाउंट जो है ट्रांसफर कर सकते हो। और अभी यहाँ पे मैं अपना यूपीआई आईडी नहीं डालूंगा फॉर प्राइवेसी, और आप यहाँ पे मिनिमम विड्रॉ कर सकते हो 100 रुपीज, और इस ऐप पे आप रेफर अर्न करके भी पैसा इनकम कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा रेफर करके कितना मैं अर्न कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके फटाफट डाउनलोड कीजिए और पैसा इनकम करना चालू कीजिए। ये क्या है, ये क्या निकला, ये क्या निकला रे गाड़ी से, हम तो डर गया था। दिखाओ जरा, ये लो हमारी तरफ से अवार्ड, अवार्ड अंशुमन। तो हमारे एक और भाई है जिन्होंने आज ज्वाइन किया है एक्सपल्स लेकर, उनके लिए रुके हुए थे, बट भाई का आता और पता दोनों गायब है। क्या बात है भाई साहब, रोड बिल्कुल चकाचक खाली, बेलम पुलाई का बहुत ही सीरियस मौका। दूसरों के भरोसे बैठना मैंने छोड़ दिया, रोना था दिल लेकिन मैंने उसे तोड़ दिया। प्यार कैसे चलेगा जब मैंने उसे छोड़ दिया, बीच में मैंने उसे छोड़ दिया। आज मौसम का ही सुगाना, दिल है दीवाना। सो गाइस जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल लोकेशन, और यहाँ पे इस ब्यूटीफुल लोकेशन में हमारे पास में है ये ब्यूटीफुल बाइक जिक्सर SF 250 वाला मॉडल, और हमारे चैनल में आज तक हमने ये वाला मॉडल चलाया नहीं एक बार भी सुजुकी का। आई गेस जिक्सर हमने चलाया है बहुत दिन पहले, हमारे शिवम भाई का जिक्सर चलाया था, जिसको भाई ने किया था बहुत तबाही वाला मॉडिफिकेशन, जिसमें कुछ एकदम छोटा टाइगर बोल के आई गेस वीडियो है उसमें। एनीवेज अभी इसको चलाते हैं और देखते हैं कैसा फील आता है। बाकी बाइक काफी नया है, सुनने में आया है जो हमारे सब्सक्राइबर है उनका बाइक है, तो भाई बोले कि बहुत ही कम चला है, लगभग 1400 या 1500 किलोमीटर चला है, देखना पड़ेगा उसके लिए। तो कंसोल देखते हैं, ऑन करते हैं, यहाँ पे आ जाता है गो, यहाँ पे गियर इंडिकेटर, ऊपर में आरपीएम मीटर, यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर, नीचे में ऑडोमीटर। जी हाँ, ऑडोमीटर में गाड़ी चल चुका है 1362 किलोमीटर ओनली, और यहाँ पे आता है टाइम, और यह है स्पीडोमीटर, और यहाँ पे मेनू वगैरह है, एडजस्टमेंट वगैरह। बाकी ABS का लाइट ऑन है, तो ABS यहाँ पे डुअल चैनल मिल जाता है। बाकी बाइक का जो टंकी है ना, टंकी काफी अट्रैक्टिव है सामने की तरफ से, किसी किसी को पसंद है किसी को नहीं है, वो हम दिखाएंगे आगे। जाकर। जानता हूँ कौन मेरा अपना, जान लेना कौन तेरे सपने पूरे होने पे खुश है उसे साथ रखना। भाई साहब आरबीएम देखे हो, एक आरबीएम है रण ऑफ कच्छ में, दूसरा वाला है टोंग में अरुणाचल में, दोनों का डिस्टेंस देखो यार। लेकिन एनीवेज देखने में काफी अजीब है बट काम जो है बराबर कर रहा है। ओह गाड़ी काफी रिफाइन लग रहा है भाई, आज तक मैंने चलाया नहीं था बट बहुत ही रिफाइन लग रहा है गाड़ी। शाइन करा लाइफ मेरा जैसे मेरा दांत है, जैसे मेरा दांत जैसे मेरा हाथ है। है गाड़ी में जान है भाई साहब, ऐसा नहीं है कि गाड़ी में बिल्कुल भी जान नहीं है, गाड़ी में बराबर जान है। हम सोचे थे कि बहुत सारे भाई लोग यू नो जो जाते हैं परचेस करने के लिए कोई भी 250 सीसी कैटेगरी का बाइक, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है KTM ड्यूक 250 जो है काफ़ी सेलिंग वाला बाइक है, बहुत सेल होता है। उसके बाद आता है डोमिनर 250, तो अगर ये वाले 250 सीसी कैटेगरी में बात करें तो FZ भी आता है। हालांकि बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं कि ये वाला बाइक जो है अंडर पावर्ड है, ताकि हमको चलाकर ऐसा फील नहीं हो रहा है, पावर तो ठीक ही लग रहा है। नॉट बैड ऑन कॉर्नर्स, यहाँ तक चलाकर काफी अच्छा लग रहा है बाइक। फुल एक्सेलरेशन तो अच्छा है बट ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस पिकअप वगैरह है, ऐसा नहीं है कि पिकअप नहीं है बट नॉट लाइक द FZ 250। देखते हैं, अभी फर्स्ट गियर में गाड़ी है, यहाँ से थोड़ा खाली है। Being a 250cc बाइक 0 to 100 में काफी समय ले रहा है। It's not only about 0 to 100 वाला मार्क बट ऑल्सो द टॉर्क, ऑल्सो द इंजन रिफाइनमेंट, ये सब भी काफी मैटर करता है। बट FZ 250 की तरह सुजुकी वालों ने इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, क्योंकि इसमें सुजुकी वालों ने डाल दिया है छठा गियर और डालेंगे, क्योंकि इसका प्राइस पॉइंट जो है 2 लाख के ऊपर आता है ये बाइक और FZ जो आता है 2 लाख के नीचे आता है। $125, $121, $127 गाड़ी बड़े आराम से क्लोक कर रहा है, वो भी 5वें गियर में। और जो ट्रैफिक है उस वजह से हम उससे ज़्यादा खींच नहीं पा रहे। कौन बोलता है भाई साहब कि जिक्सर SF में पावर नहीं है। टॉप एंड मेरे ख्याल से काफी अच्छा है इस बाइक में, क्योंकि बहुत ही कम जगह में ही 132 क्लॉक हो चुका है गाड़ी एंड हाईवे पर आएगी 150 तक तो आराम से पहुंच जाएगा। छोटे व्हीली वाले प्लेयर छोड़ क्यों दिया, हाथ से निकल गया। अभी जिंदगी तेरा निब्बा प्रो मैक्स हो जाता भाई। इसमें तो बहुत पावर है रे, पावर है ना बहुत। अरे इसमें ट्रैफिक में 132 उठ गया है। रास्तों में जो देखने को मिलता है ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, जनरली KTM वगैरह देखने को ज्यादा मिलता है, KTM हो, डोमिनर हो, यामा वाला हो, FZ हो। बट दिस बाइक इज गुड यार, बहुत ही रिफाइंड है, रिलैक्स्ड है इंजन इसका। बाकी रेस्ट यू नो थोड़ा सा इसमें रेसिंग आर्गोनॉमिक्स है, थोड़ा झुकना पड़ता है, काफी परफेक्ट लग रहा है मुझे तो। व्हीली के नाम पे तुम लोग मजाक कर रहे हो कसम से। सो गाइस बाइक तो चला रहे, काफी मजा लिया बाइक चलाकर। आपने भी देखा किस तरह से पेलम पुलाई चल रहा था। आई होप यू लाइक इट टू। बट क्या है कि FZ 250 हमने चलाया था बहुत दिन पहले, एक वीडियो चैनल में वो चेकआउट कर लीजिएगा। उसके KTM का जो ड्यूक है, ड्यूक सीरीज का बाइक भी चला रखा है। पावर डिलीवरी मुझे ऐसा इतना भी उतना कम नहीं लग रहा है कम्पेयर टू दोज बाइक्स, बट ये वाला बाइक जो है काफी हल्का है। अगर आप ये वाला बाइक चलाते हो तो जरूर नीचे कॉमेंट करना कि आपको माइलेज कितना मिल रहा है। और हमने जो चलाया बेसिकली ये वाला मॉडल है, कुछ एनिवर्सरी एडिशन बोल के सुजुकी। गाड़ी देखने में काफी अच्छा है। बाकी जो बोले थे स्टार्टिंग में कि हेडलाइट की तरफ हम आपको दिखाएंगे, हर किसी को पसंद नहीं आता इसके हेडलाइट का लुक। देखते हैं अभी किस तरह का है इसका हेडलाइट और आपको भी दिखाते हैं भाई साहब। तो गाइस ये रहा इसका हेडलाइट। हमें पर्सनली इसका हेडलाइट अच्छा नहीं लगता, जो डुअल हेडलाइट आता है वो अच्छा लगता है, या फिर इसका डिजाइन कुछ अलग होता तो सही था। लेकिन साइड से और पीछे से बॉडी का डिजाइन है काफी अच्छा है, वेरी गुड लुकिंग बाइक। स्पेशली इसका जो टैंक है काफी मास्कुलिन लगता है, काफी ह्यूज लगता है। 250cc बाइक के हिसाब से टैंक का जो साइज है काफी ह्यूज लगता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे भाई है MT का ग्रिप लगा के रखे से। चलो कोई ना कुछ तो है यामाहा का। बाकी पीछे का देखिए एग्जॉस्ट जो है काफी चमक रहा है, क्रोम फिनिश में आता है। और इसका एग्जॉस्ट नोट जो है सिंपल है, मतलब इतना भी वैसा खास नहीं है, जैसे सिंगल का आता है वैसा ही है, थोड़ा थ्रोटी ज्यादा है, बट एफजी का इससे ज्यादा बेस है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बताया मैंने मोटर ब्लॉग में कि इसमें छठा गियर है, डेट इज वेरी गुड फ्रॉम द कंपनी, और छठा गियर रहना चाहिए। और एसओएचसी सेटअप का जो भी बाइक है उस सब में हमेशा यही फील होता है कि 5 नंबर गियर में जब हम लोग हाईवे पे चलाते हैं तो 6 नंबर गियर जो है उस खोजते हैं, तलाश करते हैं, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए बहुत ही बढ़िया लगा मुझे चलाकर ये वाला बाइक। दूसरों के भरोसे बैठना मैंने छोड़ दिया, दोनों था दिल लेकिन मैंने उसे तोड़ दिया, प्यार कैसे चलेगा जब मैंने उसे छोड़ दिया, बीच में मैंने उसे छोड़ दिया। दूसरों के भरोसे रहना मैंने छोड़ दिया। So this bike is 249cc 4-stroke single cylinder oil cool. Maximum power at 26.5 PS at 9300 RPM. Maximum torque है 22.2 Nm at 7300 RPM. Front और rear में दोनों में डिस्क है, टेंशन नहीं है। फ्यूल कैपेसिटी 12 लीटर है। तुम लोगों का व्हीली मारना मुन्ना हो गया तो चलो। तो आगे बाइक चलाकर बहुत अच्छा लगा, और जो चला है बहुत दिन बाद चला, जीवन में प्रथम बार चलाए थे जिक्सर SF वाला मॉडल 250। इससे पहले जिक्सर चलाए थे छोटा वाला। एनीवेज गाइस, ये जो जिक्सर है हमारे सब्सक्राइब मित्र के, वो हमारे ठीक अभी साथ में ही है, बट वो थोड़ा कैमरा शाई है, मतलब कैमरा के सामने आना नहीं चाहते। और डेट रीजन बोले कि आप ही बोल दो कुछ बोलना है तो आपको। ये जो बाइक आपने देखा है कभी मिंट कंडीशन में है, और गाड़ी चल चुका है जैसे मैंने आपको बताया मोटो ब्लॉक के दौरान की 1500 कुछ 1300 कुछ जैसे किलोमीटर चल चुका है। गाड़ी है 2020 अक्टूबर का, भाई सेल करने वाला है, और आस्किंग प्राइस है 1,30,000 है। इनकेस यू आर इंटरेस्टेड तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाई का जो इंस्टाग्राम हैंडल रहेगा, वहाँ पे जाके भाई के साथ बातचीत कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। ट्रैन भाई के घर पे जाएंगे, नॉर्थ गुवाहाटी की तरफ के भाई का एक्सीडेंट हो गया है, R15 हाल ही में परचेस किया था, उसी का कुछ बातचीत करना है। इमरान भाई जैसे कि पता है आपको यामाहा के सर्विस सेंटर में काम करते हैं, थोड़ा बहुत जाएंगे वहाँ पे कुछ एस्टिमेट बनाएंगे भाई, वहीं पे जाके थोड़ा बहुत तांडव करना है। तांडव के लिए रुके रहिए, वीडियो में बने रहिए। सो जैसे कि यू गाइस ऑलरेडी नो कि हमारे गुवाहाटी में आसाम में आ रहे हैं आमिर भाई और सैमी भाई, तो आने के बाद मीटअप वगैरह सब कुछ होगा। आसाम में गुवाहाटी में मीटअप होगा, बाकी ऑल आसाम राइड होगा। आई होप यू ऑलरेडी नो। इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, कहाँ पे मीटअप होगा क्या नहीं होगा सारा डिटेल्स हम आपको बता देंगे जरूर। और भाई को लेने के लिए भी हम थोड़ा आगे तक जाएंगे, और ज्यादा दिन नहीं लगने वाला, 1-2 दिन में ही भाई लोग आने वाले आसाम। फुल ऑन एक्साइटेड, फुल ऑन तबाही वाला रोड ट्रिप होगा गाइस। अपर असम का होगा, लोअर असम का होगा। कहाँ पे मीटअप रखने से सही है कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। अरे भाई साहब चक्का देखो भाई, चक्का देखो, अरे बाप रे बाप, मेघालय का गाड़ी है चक्का, भाई साहब एनाकोंडा माफी चक्का लगा के रखे है। हाय 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 हाय, टनल है, टनल भाई साहब, टनल है। मजा आ गया बॉस, मजा आ गया। और अभी फिलहाल हम लोग हैं मधुपुर में, नॉर्थ गुवाहाटी के में। हमारे भाई से मिलने आए थे। हेलो हेलो, नाम बता दो एक बार। हिमांशु भाई ने नया R15 लिया था, वर्जन 4, 3-4 दिन हुआ है बस, और लेते ही नेक्स्ट डे एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि उसमें ABS यूनिट जो है काम नहीं कर रहा था। बुला के अभी प्रॉपर चेकअप हो गया है, अभी मतलब जो सामान लगने वाला है इसके लिए भाई ने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है। तो आते ही भाई ने ये गामूसा दिया है, ट्रेडिशनल गामूसा, थैंक यू सो मच भाई। और बाकी इरफान भाई और इमरान भाई को भी मिला है। तेरा बाइक यामाहा R15 वर्जन 4, पूरा जो बाहर का यानी कोटिंग होता है सिल्वर कोटिंग सारा निकाल के रखे है भाई, काफी अच्छा लगता है। ब्लैक में मैट फिनिश में काफी बड़ा लगता है बाइक कंपेरेटिवली जो रहता है सिल्वर वाला। जस्ट लुक एट दिस, ह्यूज एंड ह्यूमंगस लग रहा है, काफी ब्यूटीफुल। तो एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे कुछ जगह में चोट लग चुका है बाइक को, और यहाँ पे भी ये वाला पार्ट जो है टूट चुका है। एनीवेज फटाफट ठीक हो जाए, फिर एक साथ राइड करेंगे भाई के साथ। तो भाई बोल रहे थे यामाहा का राइड होना चाहिए, एक जरूर होगा। जरूर होगा राइड, क्योंकि सबका है यामाहा बाइक। और गाइस फटाफट 200 के कर दो यार, क्या कर रहे हो। वीडियो वगैरह शेयर करो, कमेंट करो, सब कुछ करो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, या तो वीडियो देखते लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ड्रीम बिग, बी पैशनेट एंड ऑलवेज राइट सेफ, माय ब्रदर एंड डोंट ट्रबल योर मदर। बाकी आज हमने मोटो ब्लॉक के दौरान हाई स्पीड में भी मोटो ब्लॉक किया, सो जरूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में कि एग्जॉस्ट के साथ में मोटो ब्लॉक करने से रोड ट्रिप में सही होगा कि नहीं होगा, या फिर नॉर्मल वाला एग्जॉस्ट ही फिर से मैं डलवा लूँ। डू कमेंट ऑन दैट। चलिए बाय बाय गाइस, आगे वाले ब्लॉग में फटाक से।